Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करते हैं हाइक अपडेट के बारे में. तो एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हाइक स्पेसिफिक टू कंपनीज लाइक इन्फोसिस, HCL एंड LTIMindtree. तो अभी तक इन कंपनीज में इस साल के लिए, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25, हाइक नहीं मिला है लोगों को. तो अब कंपनी क्या बोल रही है कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. ऑब्वियसली थोड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, बट देन जैसे जैसे न्यूज आ रहा है वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो बेसिकली क्या अपडेट है, कब आप हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्यों कंपनीज डिले कर रही है. क्योंकि आइडियली होता क्या है कि आपको पहले क्वार्टर में ही मिल जाना चाहिए हाइक, और नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज करती भी है ना. बट देन कुछ कंपनीज है जिनमें, अगर आप मेजर कंपनीज की बात करें तो इन्फोसिस हो गया, HCL हो गया, राइट. इन्होंने लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा करा था जहाँ पे इन्होंने डिले करा था एम्प्लॉयज को हाइक देने में. तो इस साल भी इनका एक अपडेट आया है. तो ऑब्वियसली एक तो अच्छा अपडेट तो है नहीं, बट देन थोड़ा सा होप भी है. तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो इन्फोसिस, HCL टेक और LTIMindtree की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि इन्होंने हाइक का जो साइकिल है वो Q3 के लिए शिफ्ट कर दिया अभी के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. और अगर आप इन कंपनीज में जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छी न्यूज नहीं है. क्योंकि यार किसी भी इंप्लॉय के लिए मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन ये होता है कि ईयरली हाइक मिल जाए, अच्छा खासा टाइम पे मिल जाए, टाइमली प्रमोशन हो जाए, है ना. यही सारी चीजें तो एक्सपेक्टेड होती है और दीज आर बेयर मिनिमम थिंग्स वी एक्सपेक्ट. क्योंकि साल भर काम करने के बाद अगर आपको आपके काम के हिसाब से इंक्रीमेंट ना मिले, अगर आपको टाइम पे प्रमोशन ना मिले, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता है. और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि काम करने का वो मन ही नहीं होता, राइट. वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता. तो कंपनीज को सोचना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में भी. बट देन वी आर इन इंडिया, राइट. ये एम्प्लॉई मेंटल स्टेट, राइट, ये सारी चीजें तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती इनके लिए, राइट. दे आर द मोर फोकस्ड ऑन देयर बिजनेस और कैसे इम्प्लॉयज को तोड़ मरोड़ दे और जैसे करके भी जितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं निकाल ले, क्योंकि दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इम्प्लॉयज. बट देन एनीवेज, चलिए टॉपिक पे आते हैं. तो यस, आप अभी के लिए Q3 पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मुझे नहीं लगता कि ये श्योरिटी है कि Q3 में भी ये कुछ आपको हाइक देंगे. इसका कुछ श्योर सर्टन ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक. और इन्फोसिस ने लास्ट ईयर डिसंबर में हाइक दिया था एम्प्लॉयज को. तो यही सारी चीजें हैं. और कंपनीज के तरफ से रीजंस अगर आप पूछे कि क्या रीजन है, तो इनका वही है कि हम सबको पता है अभी क्या चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में. तो इनका इनका कहना ये है कि बड़ा स्लगिश आईटी सेक्टर चल रहा है अभी के लिए, और क्लाइंट बजट्स में डिले हो रहा है, क्लाइंट ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है अभी के लिए, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेंटीज है. यही सारी चीजें हैं और जिनके कारण कंपनीज आर फेसिंग प्रेशर टू बेसिकली यू नो ऑप्टिमाइज देयर कॉस्ट. और इनको अपना ऑपरेशन जो है वो एफिशिएंटली तो करना ही है. तो कॉस्ट कटिंग की तरफ जाते हैं और ये सारी चीजें हैं जो कंपनी नॉर्मली कॉस्ट कटिंग, जब भी ये कॉस्ट कटिंग के मोड में जाते हैं तो ये सारी चीजें करती हैं. जैसे हाइक में डिले करना, या तो हाइक ही नहीं देना, प्रमोशंस टाइम पे नहीं देना, प्रमोशन पे अनऑफिशियली होल्ड कर लेना प्रमोशन प्रोसेस को, है ना. और अगर प्रमोशन दे रहे हो तो कम हाइक देना प्रमोशन में, ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाना, अपरेशन में भी बहुत ही कम देना, राइट. तो ऐसी चीजें करती हैं कंपनीज. और कहीं कहीं पे तो ऐसे भी अपडेट आ रहा है कि मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज कंपनीज, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ कि एज अ कॉस्ट कटिंग थिंग कुछ कंपनीज ये भी सोच रही है कि आप थोड़ा सा ट्रिम करें एम्प्लॉयज को,
जैसे जो अर्ली ज्वाइनर्स होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं, या तो जो थोड़े ऊपर लेवल के होते हैं, 20+ ईयर्स, राइट, ऐसे लोगों को थोड़ा सा हटाने का भी सोच सकती है कंपनीज। और हाँ, यही सारी चीजें हैं जो अभी के लिए जो थोड़ा बहुत अपडेट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइक। तो आई थॉट कि एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए अगर आप लोगों ने इस न्यूज को फॉलो नहीं करा है तो। एंड यस, फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन इंफोसिस एंड एसेटेक स्पेसिफिकली, ऑब्वियसली लेट्स बी पॉजिटिव, राइट, के जरूरी नहीं है नहीं देगा। आई एम श्योर होगा, आई एम श्योर ये देंगे, लेकिन यार इतना डिले तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर पीपल वर्किंग इन दिस कंपनीज। और अगर आप ऐसे सिनेरियो देखोगे ना, तो तभी एक एक कंपनी जो इस लेवल की है, जो एकदम स्टैंड आउट होती है, दैट इज टीसीएस, राइट। कुछ भी हो जाए, ये टाइम पे देते हैं और एक एक स्टैंडर्ड बना के देते हैं। इनको पता है कि एम्प्लॉयज को पता है कि मेरे को कम से कम 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मेरे को सी बैंड ही क्यों ना मिल जाए, 4 या 5% तो बेयर मिनिमम मेरे को मिलेगा ही, राइट। तो अगर यही सारी चीजें आप देखोगे तो टीसीएस जैसे कंपनीज स्टैंड आउट करती है। और वी हैव टू, अब कितना भी हम बुराई कर ले या कितना भी बोल ले कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन इन सारी चीजों में डेफिनेटली वी हैव टू गिव क्रेडिट टू टीसीएस। तो राइट, यही सारी चीजें थी मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए फॉर नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज वेल।